थाना राया क्षेत्र के हाथरस मार्ग स्थित सोनई रेलवे स्टेशन के समीप तीन वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, वहीं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। राया के हाथरस मार्ग पर मैजिक टेम्पो ओवरलोड होकर बेखौफ दौड़ रहे हैं, जिनकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज गति से हाथरस की ओर से आ रहे मैजिक संख्या UP85T1362 की टक्कर इको गाड़ी से हुई। बाद में मथुरा की ओर से जा रही आल्टो कार संख्या UP85AY9293 जाकर मैजिक से टकरा गई। हादसे को देखकर लोगों की चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर राहगीर घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुँच गयी। इस घटना में घायल हुए आधा दर्जन लोगों को अस्पताल भिजवाया गया है, जिसमें से दो की हालत नाजुक बताई गई है। घटना के संदर्भ में आल्टो कार में सवार दिगंबर सिंह ने जानकारी दी। नाम दिगंबर सिंह कुशवाहा है। क्या घटना हुई है? ये इको जो है उससे टकराई है मैजिक से, और मैजिक का डिसबैलेंस जब खराब हुआ तो हमारी जो गाड़ी मथुरा से आ रही थी, जैसे ही साइड में आकर के वो हमारी गाड़ी में सामने से ठुक गई। उसमें दो आदमियों की हालत ज़्यादा गंभीर है और छह लोग घायल हुए हैं। बाकी हाथ पैरों में चोट है, सिर फट गया है। हमारे भी जो साथी हैं तो घायलों को कहाँ भेज दिया है? मथुरा भेज दिया है।